तो आइए चलिए चलते हैं आपको मेन बाजार यहाँ का दिखाते हैं अंदर का। यार मतलब एक से एक चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। वाह बहुत सुंदर लग रहा है ना ये। और ये पिंक वाला मुझे देखना है, ये पिंक, ये देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, बाल लग रहा वो मेरे बस। तो इस साड़ी का प्राइस क्या है? 1250 में अगर ये साड़ी मिल जा रही है तो फिर और क्या ही चाहिए। मतलब बड़े बड़े शोरूम में आप अगर जाते हो तो यही साड़ी आपको 2500-2600 तक की, तो 3000 समथिंग में पड़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग पे। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो कहते हैं कि काशी का जो दिल है वो विश्वनाथ गली होती है, और सबसे पुरानी गली विश्वनाथ गली। तो आज का हमारा ब्लॉग जो बनने वाला है विश्वनाथ गली का बनने वाला है। जैसा कि आप ठीक पीछे मेरे देख रहे हैं, ये गेट नंबर 1 है, यहीं से आप जा सकते हैं काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने। चलिए चलते हैं, आज आपको हम विश्वनाथ गली दिखाते हैं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम लोग जा रहे हैं विश्वनाथ गली में। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ना मिले, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आप अगर एक बार एंट्री करते हैं यहाँ पे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, पहनने से लेकर और मतलब ज्वेलरी वगैरह तो इतनी एंटिक मिलती है यहाँ पे। मतलब मेरा तो फेवरेट प्लेस है ये। और यहाँ पे देखेंगे आप तो बैंगल्स वगैरह आपको बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। ये क्या प्राइस है बैंगल का? 54। ये 50 के 4 आपको मिलेंगी। और मतलब सबका प्राइस वही है, ये 50, बाकी सब इधर का जितना भी है सब 50 रुपये का। देखा आपने, यहाँ पे आपको बैंगल्स भी मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी शॉप है, आपको रिजनेबल रेट में मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया बैंगल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। सोचिए 4-5 ले लूँ क्या यहाँ पे, गिराओगे? यहाँ आने के बाद ना, एक्चुअली मेन मेरा आज आने का पर्पस ये था कि यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे शॉपिंग करनी थी अपने तीज के लिए। मेन ये भी है कि आज यहाँ पे तीज की शॉपिंग भी करनी है यहाँ पे, क्योंकि तीज आने वाली है तो शॉपिंग वॉपिंग तो बनती ही है। तो आज यहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे ढेर सारी, और देखते हैं क्या क्या चीज़ मिलेगी। ज्वेलरी वगैरह तो यहाँ पे बहुत बेस्ट मिलती है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के भी कपड़े। और क्योंकि अब फेस्टिवल्स आते हैं तो हम लोग को विश्वनाथ गली बहुत जल्दी याद आती है औरतों को मेन, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती है, 100-150-200 रुपए तक में, आपके हिसाब की चीज़ें जो आपको चाहिए होता है। तो आइए चलिए चलते हैं आपको मेन बाजार यहाँ का दिखाते हैं अंदर का। यार मतलब एक से एक चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, और साड़ी तो मतलब पूछिए ही मत, साड़ी गजब गजब की मिलती है। जैसे कि आप इधर ही देख सकते हैं, बनारसी साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। वैसे यहाँ पर मेरी एक फेवरेट शॉप भी है, तो चलिए मैं आपको वहीं लेके चलती हूँ जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें और कम दाम में मिलेंगी। यहाँ पे आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी जो कि बहुत ही कम रेंज में मिल जाएंगी और अच्छी मिलेंगी। लोग विश्वनाथ गली आते हैं, विश्वनाथ जी दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ ज़रूर आते हैं और परचेजिंग ज़रूर करते हैं यहाँ से, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी और कम रेट में मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे मेरे ठीक पीछे एक रेड कलर की साड़ी लगी हुई है, तो पूछते हैं भैया से क्या प्राइस है। भैया पूजा कर रहे हैं, ये रेड कलर की साड़ी हमें बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए कितना बढ़िया, और ये हैंडमेड बैग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भैया ये साड़ी क्या प्राइस आएगी? 1850। बहुत ही प्यारी साड़ी है, ये बनारसी साड़ी का है ना, ये आपको बनारसी साड़ी है, आपको 1000 रुपये से स्टार्टिंग में, मतलब 1000 से स्टार्टिंग है बनारसी की, 1000 से लेके आपको जितनी महंगी चाहिए और जितनी सस्ती चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे आके। वैसे ये रेड साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी, और ये ब्लैक वाली ब्लू है ना, नेवी ब्लू कलर, कौन जी क्या रेट? 2400। अगर मतलब जैसे कि ये बताइए, जैसे कई आते हैं लोग तो जो सस्ते में भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगी आपके यहाँ। तो देखा आपने, यहाँ पे इस गली में आने के बाद आपको साड़ियाँ एक से एक मिल जाएंगी, जैसा कि हमने भैया जी की दुकान दिखाई दी है। तो आइएगा तो यहीं से ले लीजिएगा। तो ये इस तरफ देखेंगे तो आप पर्स की शॉप रहेंगी, बहुत अच्छे अच्छे पर्स वगैरह सारी चीज़ों। और सबसे बड़ी बात देखिए, शॉप तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन कम प्राइस में आपको जहाँ चीज़ें मिले वो अच्छी दुकान होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्वनाथ गली में, जो कि बहुत ही सस्ता मार्केट है, तो यहाँ पे भी अपने खाने पीने की व्यवस्था भी मिल जाएगी आपको। अगर आप विश्वनाथ जी दर्शन करने आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे आपको मैं जो भी शॉप दिखा रही हूँ आज,
खाने पीने से लेकर आप पहनने तक, मतलब हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। केवल इस कटरे में एक बार आप अगर एंट्री कर गए, ये कटरा अभी नया ही बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको गौरी शंकर भोजनालय रेस्टोरेंट भी आपको भैया खाने पीने की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए कहीं भी जाओ तो। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको सामान भी मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, तांबे की है ना, यहाँ पे तांबे की मूर्तियाँ, यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण वगैरह कितने प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। लोग सोचते हैं तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो सामान जो भी लें भगवान के, जैसे मूर्तियाँ वगैरह, तो वो वहीं से लेकर आएँ। तो आप देखिए कितना प्यारा प्यारा यहाँ पे रखा हुआ है ये सारी चीज़ें। और ये वाला देखो, ये वाला सबसे प्यारा लग रहा है, कृष्ण कन्हैया। वैसे तो मैं सच बताऊं तो औरतों का दिल जो है ना वो विश्वनाथ गली में बसता है जो बनारस में रहती है, क्योंकि जब भी कुछ भी पार्टी फंक्शन या एवरीथिंग कुछ भी पड़ता है तो उन्हें सबसे पहले याद आता है विश्वनाथ गली। अब मुझे भी याद करिएगा मेरा ब्लॉग देख के। यहाँ पे ये देवी की मूर्ति देखिए, वाह कितनी प्यारी लग रही है ना। मेरे घर में भी ऐसी है, सेम ऐसी है मेरे यहाँ। मैंने थोड़ा छोटा लिया है क्योंकि मंदिर मेरा छोटा सा है ना, तो मैंने छोटी सी ली हुई है। और ये कितना प्यारा लग रहा है, डमरू तो मिल गया मुझे। अरे इसमें वो ही नहीं है बजाने वाला, कोई बात नहीं। आओ यहाँ का मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। ये आप यहाँ का रेस्टोरेंट देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कहीं भी आप छोटे गलियों में जाते हो तो सोचते होंगे कि मतलब गंदा होगा या फिर कुछ भी, लेकिन आप इस कटरे में एंट्री करते हो तो आपको हर एक चीज़ की देखिए सफाई रहेगी। और सारी चीज़ें यहाँ पे खाइए पीजिए, मौज से आइए। विश्वनाथ जी अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो यहाँ आइए और थोड़ा लंच वंच डिनर विनर भी हो जाए यहीं पे। यहाँ पे देखिए ये है कुर्ते की शॉप। अब मुझे जेंट्स लोग कुर्ते जो पहनते हैं यार वो बड़ा ही मस्त लगता है देखने में। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कलरफुल कुर्ते मिल जाएंगे। और कुर्ते का प्राइस क्या आएगा भैया? बस 300 और 400। वाह, यहाँ पे आपको 300 से स्टार्टिंग में जेंट्स के कुर्ते भी मिल जाएंगे, जो कि मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मतलब इससे अच्छे अच्छे भी मिल जाएंगे आपको। स्टार्टिंग प्राइस 300 है, आपको 1000 रुपीज़ 1200 पर अच्छे कुर्ते मिल। अच्छा अच्छा 1200 तक बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो मैं आपने देखा यहाँ पे आपको 300 तक में अच्छे अच्छे कुर्ते भी मिल जाएंगे। यार हम तो खरीदना पड़ेगा, तो मेरे को आर्यन के लिए लेना है मेन। अच्छा अच्छा लेडीज़ का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मेरी फेवरेट शॉप आ गई भाई। अब यहाँ पे हम देखेंगे साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं बनारसी साड़ियाँ यहाँ पे। वाओ वाओ, रेड कलर में दिखाइए, रेड कलर में दे दो। मेरा फेवरेट कलर जो है ना वो रेड एंड ब्लैक, ये बोथ। ये देखिए आप ये रेड कलर का देख रहे हैं बनारसी साड़ी, और मैं सबसे कम दाम की साड़ियाँ आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इस साड़ी का प्राइस क्या है? 1250 में अगर ये साड़ी मिल जा रही है तो फिर और क्या ही चाहिए। मतलब बड़े बड़े शोरूम में आप अगर जाते हो तो यही साड़ी आपको 2500-2600 तक की, तो 3000 समथिंग में पड़ जाती है। लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपको ये देखिए कितनी सुंदर ये बनारसी साड़ी लग रही है, और जो कि केवल 1200 में है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। यही साड़ी मैंने अभी कुछ दिनों पहले बड़े मॉल में देखी थी, तो वो 12000 समथिंग 12-13000 से बता रहे थे, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 4500 में। कैसी लग रही है मेरे ऊपर? अरे यार गिरी जा रही है बार बार। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और ये क्या, ये पल्ला है इसका? ये ब्लाउज है। वाओ, इसकी अगर फुल स्लीव की मैं ब्लाउज बनवा दूँ तो मतलब मस्त हो जाएगा। तो देखा ना आपने, मैंने आपको दिखाया सबसे कम दामों में बनारसी साड़ियाँ आपको कहाँ मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अब आगे का भी आपको दिखाते हैं। अरे यार ज्वेलरी तो बाकी है, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक फेवरेट शॉप है यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, आपको मैं ज्वेलरी दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया था कि मेरी एक फेवरेट शॉप है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे
ज्वेलरी और बैंगल्स दिखाऊंगी जो कि बड़े ही औसम होते हैं, और सबसे बड़ी बात है अच्छे दाम में आपको मिल जाएंगे। आइए नमस्ते। हमने सोचा कि हम इतना सामान लेके जाते हैं यहाँ से, तो आज क्यों ना भैया को भी थोड़ा सा फेमस कर दिया जाए। भैया की भी बैंगल की शॉप है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं। और भैया मुझे मेन आप ना मुझे ज्वेलरी दिखाओ, आप जो आप ज्वेलरी जैसे मैंने आपको कई बार परचेस की है उस टाइप की ज्वेलरी दिखाइए जो मतलब लोगों को यहाँ पे आने पर बहुत ही महंगी औरों दुकान पे मिलती है, और यहाँ पे अगर आप लेके आएंगे तो वो 1000-2000 तक में आपको बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये देखिए जूड़ा वगैरह भी बड़ा बढ़िया बढ़िया। भैया ये वाला जूड़ा निकालिए, ये वाला भैया ने एकदम कार्ड वार्ड एकदम भैया भी टशन में आज एकदम कार्ड वार्ड निकाल के ये निकालिए यहाँ पे आप प्रीति ऑर्नामेंट्स की शॉप है ये। और ये देखिए आपको मैं अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। वैसे फिलहाल ये देखिए ये जो है ना हम लोग पीठ पे अक्सर सोचते हैं ना कि बाल को क्या करें कैसे करें, तो ये बड़ा बढ़िया लगता है मुझे, फर्स्ट क्लास लगा लो हो गया काम करता हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, कितने का ये? ये 250 का आपको मिलेगा, मेरे तरफ से आएंगे थोड़ा और कम कर दीजिएगा, ठीक है 10% कम हो जाएगा आपका। ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ से मैंने रिंग लेके गई थी, नोज रिंग, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और मैंने काफ़ी बार पहना भी, तो आप लोगों ने पूछा कि कहाँ से लिया है, तो मैंने कहा भैया दिखा देते हैं आज कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे हम करने आए थे परचेजिंग, तो हमें मिले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि गुवाहाटी से हैं, तो हमने कहा क्यों, अरे गुवाहाटी मैंने सही बोला ना, पता नहीं लेकिन हाँ सही बोला ना, हाँ तो ये मिल गया और रास्ते में पहचान लिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपने हमें पहचाना। और मतलब आज दर्शन करने आए दर्शन कर मैंने वो किया अच्छा, तो आपने भैरव जी का दर्शन हमारे ब्लॉग में भी किया ही होगा। तो हमको ये मिले यहाँ पे और बहुत बहुत धन्यवाद, और आज एकदम पसीने पसीने जिंदा आदमी को पसीना निकलता है। ये बात तो बिल्कुल सही कहा, इसीलिए बहुत ज्यादा निकल रहा है, थोड़ा सा गर्मी हमें कम हो या पानी बरस ही नहीं रहा है हमारे यहाँ। तो देखा ना आपने, मैंने आपको मिलाया अपने एक सब्सक्राइबर से जो कि गुवाहाटी से आए हुए हैं और यहाँ पे, और मेरे को पहचान गया, मुझे खुशी तो इस बात की हो रही है। बहुत बहुत थैंक यू। तो अरे और अब तो बाकी है मेरी ज्वेलरी दिखाना, तो चलिए चलते हैं आपको ज्वेलरी दिखाते हैं, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो भैया ने पहले से एकदम रेडी रेडी होके रख दिया है सारा। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये ज्वेलरीज देख रहे हैं, और थोड़ा भैया बड़ी बड़ी ज्वेलरीज जो आती हैं आपके पास, एक ग्रीन कलर में आपने मेरे को दिखाया था, ग्राम वाले ज्वेलरीज भी कह के बेचते हैं। अच्छा अच्छा ग्राम वाले पैटर्न पे भी होता है। अच्छा ये सब एडी ज्वेलरीज है, ये सब हाई क्लास ज्वेलरीज होती है, ठीक है, इसमें डिजाइन हम आपको बहुत सारी दे देंगे। और ये कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए मोनालिसा, ये ग्रीन मोनालिसा है, ग्रीन मोनालिसा, इसको खोलेंगे ये मोनालिसा, वो क्या मोनालिसा तो बिग बॉस में आई थी, वही वाली है क्या? नहीं ये मोनालिसा ये पत्थर है, वो मोनालिसा इंसान। हम क्या भैया उनका भी ज्वेलरी वेलरी बेच रहे हैं, अरे पिंक कलर कितना प्यारा लग रहा है। कैसा लग रहा है? वाह बहुत सुंदर लग रहा है ना ये, और ये पिंक वाला मुझे देखना है, ये पिंक, चलो इसी बहाने पहन पहन के देख ले रहे सारा। यार वाह ये मतलब ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में, हाँ मेरे ऊपर बहुत चला गया। कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में, ये देखिए आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, बहुत ही कम दामों पे आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यार मतलब एक बार यहाँ पे आ जाओ ना, मेरा तो जाने का मन ही नहीं करता है, मैं सोचूँ क्या क्या खरीद के लेके चली जाऊँ यहाँ से। ये इसकी स्टॉक हाँ बहुत ही सुंदर है, ये सिंपल से सुपर बेल और के चैक चौड़े वाले भी देखा। ये देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, बाल ना खराब हो मेरे बस। ए मैं अपनी ड्रेस के मैचिंग का लगाऊं ना मेरे को, ये देखो यार ये बच्चे जब लगाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। शीशा कहाँ गया भैया? अरे भैया सामने रखिए शीशा, वाह क्या बात है।
ये बड़ा बढ़िया लग रहा है। बचपन में हम लोग लगाते थे। वापस से क्रेज आया, पहले क्रेज खत्म हो गया था। हाँ, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है और ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। देखिए ये सारी बैंगल्स आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएंगी यहाँ पे आने पर। और ये मंगलसूत्र देखिए, छोटे छोटे जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये यहाँ पे ये देखिए कितने बढ़िया हैं ये। ये देखिए ये है, ये हुई ना बात, ये कितने का है ये। ये देखिए ये चूड़ा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तीज पे पहनने के लिए अगर आपको चूड़ा चाहिए ना तो यहाँ से आके ले जाइए। और ये मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है, पूरा इसमें मोतियों का वर्क किया हुआ है। और एक वो उधर वाला भी तो है, देखिए इसमें पूरा मोतियों का वर्क किया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। मेरे कहने से बस एक और प्लीज, बस एक और। ये देखिए ये देखिए ये जो है ना खत्रियों में ये पहना जाता है, पंजाबियों में शादी होने के बाद पहना था, और पूरे एक साल तक पहनते हैं लोग और ख़राब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है ये हाथी दांत का होता है, कितना पता है मुझे। और ये ओरिजिनल एडी पे है इसीलिए तो ये ख़राब नहीं होता है ना भैया जल्दी। हाँ ये बहुत जल्द चलता है और ख़राब नहीं होता, मैं पहन लूँगी ऐसे ही। नाम तो बता दी, कह रहे अच्छा शर्मा रहे लग रहा है। नाम तो बताइए शॉप का। हमारी शॉप का नाम है प्रीति ऑर्नामेंट्स, ये विश्वनाथ गली में इंटर करेंगे तो राम जानकी मंदिर के पास। वाह, तो देखा ना आपने कितनी बढ़िया शॉप है। और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साड़ी की शॉप है, और ये ग्रीन कलर की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है जो कि यहाँ पे लगी हुई है ना बढ़िया। तो यहाँ आपने देखा हमारे भैया जी की शॉप प्रीति ऑर्नामेंट्स है, और यहाँ भैया ने हमारे लिए चाय भी मंगा रखी है, हम चाय पियेंगे और उसके बाद आपको यहाँ के आगे की भी शॉप्स दिखाते हैं। चाय पी लें अब, शांति से, गर्मी लग रही है। अभी अंकल जी ने बताया ना जिंदा लोग को पसीना आता है लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। यार ये कितना प्यारा लग रहा है देखने में, छोटे बच्चे पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। देखा ना आपने ये शॉप कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे आपको छोटे बच्चों के लिए ड्रेसेस मिल जाएंगी जो कि जन्माष्टमी वगैरह में पहनाया जाता है। और ये टोपी देखिए, वो शंभू वाली टोपी कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पे, और डमी में पहना हुआ है, हमारे बच्चे पहनते तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ से पहले तो आपको हम दर्शन कराते हैं यहाँ पे हमारे गणेश जी के। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए भाई गणेश जी का भी, जो कि विश्वनाथ गली में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। और अब इधर आइए, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्लचेस वगैरह बड़ा बढ़िया बढ़िया है, और पर्स वगैरह बढ़िया बढ़िया है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रांडेड पर्स भी मिल जाएंगे और चीपेस्ट भी मिल जाएंगे। ये नहीं है कि केवल महंगे ही चीज़ें मिलेंगी आपको, यहाँ पे सस्ती चीज़ें भी मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे पर्स दिख रहे हैं इस समय। चलिए आप लोग के कारण मेरा भी थोड़ा सा हल्ला वल्ला हो, कुछ मिले हमें भी। ढेर सारी शॉपिंग करने वाली हूँ आज मैं यहाँ पे आके। तो आइए अब आगे आपको हम विश्वनाथ जी का गेट भी दिखाते हैं, क्योंकि यहीं से आप आते जाते हैं तो भाई ये भी तो दिखाना बनता ही है। चलिए चलते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि विश्वनाथ गली को विश्वनाथ गली क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी पतली गलियां हैं यहाँ की। और दादाजी को छींक भी आ गई इसी में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्वनाथ गली, जो कि मतलब बहुत ही पतली गली है यहाँ पे। मतलब आज तो खैर आपको भीड़ थोड़ी कम दिख रही, सबको पता चल गया था हम आ गए। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, मतलब पैर रखने की जगह यहाँ पर कभी नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहती है इस मार्केट में। और क्यों ना रहे, क्योंकि चीज़ें भी इतनी अच्छी मिल जाती हैं और बाबा के धाम के दर्शन भी हो जाते हैं यहीं से। तो आइए आपको आगे, आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं बाबा के, यहाँ से दिखाते हैं कि कहाँ से आप एंट्री करते हैं दर्शन। तो अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसके आगे अब तो कैमरा अलाउ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बस इधर से आप जाएंगे, इस तरफ टर्न करेंगे तो आपको मिलेगा विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर एक, जहां से आप दर्शन कर सकते हैं विश्वनाथ जी के। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी यहाँ पे। ये देखो ये घोड़ा। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी वो सारी लकड़ी से बनी है। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है। और छोटा सा प्रेशर कुकर भी है यहाँ पे, ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं यहाँ पे।
तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, वही वाली शॉप पे जाते हैं, भैया की शॉप पे, क्योंकि मुझे वहाँ तीज की शॉपिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने आपको आज दिखाई यहाँ की हमारी विश्वनाथ गली, मतलब कहने का मतलब है कि काशी के दिल में आपको आज हमने एंट्री कराई है, यहाँ पे आके दिखाया है कि क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत ही कम दाम में मिल जाती है। और आप ये सोचेंगे फिर आ गए भैया की दुकान पे, तो हम भैया की दुकान पे इसलिए आए क्योंकि हमें तीज की शॉपिंग करनी है यहाँ पे कुछ। तो आई होप आज का ब्लॉग जो है आपको बड़ा ही मस्त लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ढेर सारा सब्सक्राइब आंटी जो भाभी अभी उनसे करवा दीजिएगा, ताकि आके यहाँ शॉपिंग करें और हमारे चैनल को भी कुछ अच्छा ग्रो मिले। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।